Hello friends, welcome to our PASS coaching channel. Today we are going to discuss trigonometric equations part 2 or general value of trigonometric function of the form square of angles. This is our 18th video or part 18th video of trigonometry chapter, and this is our last video of trigonometry chapter. Today we will done this chapter. Now we are going with first sin square theta is equals to sin square alpha. आपने formula क्या हुआ है sin square theta is equals to क्या होता है 1 minus cos 2 theta over 2. Similarly 1 minus cos 2 alpha over 2. आपने ये formula क्या हुआ है cos 2x is equals to cos square x minus sin square x. यहाँ पे cos square को 1 minus sin square करना, वहाँ से आप sin square की value निकाल के देखना. वैसे मैंने पहले की videos में करवाया हुआ है. 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 अल्फा. 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा. माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस 2 अल्फा. माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस 2 अल्फा. हमने पिछली वीडियो में किया था कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा इज इक्वल्स देन थीटा इज इक्वल्स टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा. थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 थीटा. यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे आप 2 अल्फा लगाइए. 2 थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए 2 के साथ पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर दिए तो n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो याद रखना व्हेन साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू साइंस के अल्फा दिया हो तो आप थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे n पाई प्लस माइनस अल्फा. नाउ सेकेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा. सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट किया था तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट करके वहां से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए. कुछ नहीं फर्क पड़ता, अगर बीच में माइनस आ जाए तो साइन स्क्वायर बन जाता है. सिमिलरली अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 लिख दोगे तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा. सेम प्रोसेस 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल तो कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस 2 अल्फा जाएगा. वही क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा. अल्फा की जगह 2 अल्फा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 के साथ डिवाइड कर देंगे थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. तो एक बात ध्यान देना, चाहे आपको साइन स्क्वायर आ जाए चाहे कोस स्क्वायर आ जाए दोनों साइड तो थीटा आपका सेम ही रहेगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही रहेगा. एंड नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या होता है टैन स्क्वायर. टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा. तो ये आप कैसे लिख सकते हो, मैं ऐसे जैसे मैंने अगर आप स्क्वायर हटाते हो स्क्वायर हटाने के बाद जैसे आप लिखते हो ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो आप एक्स की वैल्यू 2 नहीं लिखते, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस 2 आता है बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. सिमिलरली इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा टेन अल्फा. और हमें पता है टेन प्लस माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो हम अंदर भी ले जा सकते हैं तो प्लस माइनस अल्फा. तो आपने किया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा. तो यहाँ पे थीटा की जगह तो थीटा जाएगा, एन पाई की जगह एन पाई जाएगा. चेंज कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे जहाँ आप प्लस लेते हो अल्फा के साथ यहाँ अल्फा के साथ क्या प्लस माइनस है ये याद रखना. तो एक बार देखिए चाहे साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है टेन स्क्वायर सभी थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आ रही है. नेक्स्ट आप सिमिलरली आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल सेकेंड स्क्वायर अल्फा. सेकेंड स्क्वायर कैसे 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा 1 ओवर कोस स्क्वायर अल्फा ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई सेम टू सेम यही बन जाएगा. कोसिकेंट को 1 ओवर साइन के साथ कोट को 1 ओवर टेन. तो मतलब आपका कोई भी फंक्शन आ जाए एंगल जिसका स्क्वायर में हो सभी की सेम वैल्यू है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. ये तीनों आप खुद ट्राई करना सिकेंट कोसिकेंट कोट का कोट को 1 ओवर टेन कोसिकेंट को 1 ओवर साइन सिकेंट को 1 ओवर कोस सेम ये तीनों ये सेम इक्वेशन बन जाएगी सेम प्रोसेस ये सॉल्व होगा इसकी वैल्यू जाएगी. फ्रेंड्स जो हमने पिछली वीडियो पार्ट 17 और पार्ट 18 में अब तक जितने फॉर्मुलेस किए इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं. फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. हमें ये चार इक्वेशंस हमें चार क्वेश्चन गिवन है पार्ट गिवन है इनके हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2. अब आपको पता है सीकेंट 2 कहाँ पे होता है,
आपको होता है सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, कोस 1/2 देखिए, कोस 1/2 किस पे होता है 60 पे, मतलब कोस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/2, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड, मतलब सेकेंड पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 2, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो सेकेंड एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड पाई ओवर 3, ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला। अब हमने किया था पीछे सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड अल्फा, ये किसकी इक्वल है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसके साथ कंपेयर करिए, थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या है x, मैं वैक्स पुट कर देती हूँ, 2n पाई एज इट इज, प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारी x की जनरल वैल्यू निकल आ गई। जनरल क्यों बोलते हैं, बिकॉज n वेरी कर रहा है, मतलब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, मतलब n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट करो तो आपका वो पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, 2 sin x + 1 = 0, मतलब 2 sin x = -1, sin x की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है sin x 1/2 किसकी वैल्यू पे होता है, इसको आप लिख सकते हो पाई ओवर 6, मतलब sin 30, sin माइनस को अंदर भी ले जाता है बाहर भी निकाल देता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं sin x इज इक्वल्स टू sin माइनस पाई ओवर 6। अभी हमने किया था पिछली वीडियो में sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस -1^n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे थीटा की जगह x आ जाएगा, n पाई एज इट इज प्लस b एज इट इज -1^n भी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो और आगे आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1, इसको हम लिख सकते हैं ना -1 × -π/6। अब देखिए यहाँ पर -1 की पावर n है, -1 की पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी पावर n प्लस 1 पाई बाय 6, ये आपकी x की वैल्यू आ गई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने क्या किया, -1/2 था तो -sin π/6, माइनस को अंदर ले गए, sin θ = sin α, तो थीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई, यहीं पे भी छोड़ सकते हो -1 × -π/α, पावर ऐड हो गई, -1 की पावर n+1 आ गई। नाउ थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं sin 2x + cos x = 0, कभी भी आपको एक साइन और एक कोस गिवन हो ना तो ऑलवेज आपने क्या करना है, कोस को तो वहीं पर रहने दो, साइन को उधर ले जाओ, इसको मैंने sin 2x लिख दिया। अब हमने क्या करना है, साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, बिकॉज तभी हम कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और आपको पता है साइन कोस में कब कन्वर्ट होता है, जब π/2 + या π/2 हम माइनस की बात करते हैं। अगर आप π/2 - की बात करोगे, मतलब अगर मैं साइन π/2 - कोई भी एंगल करती हूँ तो वो पॉजिटिव कोस एक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली सॉरी हमने साइन को कोस में चेंज करना है, अगर मैं कोस को π/2 + x लिखूंगी तो वो -sin x में चेंज होगा, मतलब यहाँ पे मैंने कोस लिख दिया, कोस क्यों लिखा, बिकॉज मेरे को इस साइड कोस चाहिए, यहाँ पे π/2 बिकॉज कोस साइन में तभी कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता तो आप माइनस लगाते, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार में जाता, ये माइनस का साइन है इसके मेरे को प्लस का लगाना पड़ेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी माइनस साइन, एंगल क्या है 2x। अब आपने ये चेक करना है कि यहाँ से आपकी ये वैल्यू बन रही है कोस π/2 + सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस का आएगा π/2 तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -sin 2x बन रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस π/2 + 2x। अब कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा हो तो क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n π + -α वेयर n बिलोंग, अब अल्फा यही है थीटा यही है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n π एज इट इज प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू ये रख दीजिए। एक बार इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए एक माइनस का। अब मैंने क्या किया एक बार 2n π के साथ ये एंगल प्लस में ले लिया, एक माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दी, यहाँ पे -π/2 - 2x ये एज इट इज, प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो गया तो -x, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये आ गया
टू के साथ एलसीएम लोगे तो यहाँ पे फोर एन आ जाएगा, माइनस पाई बाय टू कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे माइनस टू एक्स उधर आके प्लस टू एक्स, थ्री एक्स, थ्री को कर दे डिवाइड, एलसीएम लेके आ गया, तो एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करो ये करो, वेयर एन बिलोंग्स इन टीजर, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा साइन टू एक्स प्लस कोस एक्स का। अब लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट था साइन नाइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये तो ईजी है, साइन नाइन एक्स मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू पावर अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू टीजर, थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे नाइन एक्स, एन पाई की जगह एन पाई, माइनस वन रेस टू पावर एन, एक्स की जगह क्या गिवन है वन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बिकॉज अल्फा की जगह एक्स है, तो सेम केस दो आएंगे यहाँ पे, एक बार क्यों, अगर एन इवन हुआ तो ये प्लस का बन जाएगा, अगर ऑड हुआ तो माइनस का, तो नाइन एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, एक बार तो प्लस एक्स ले लीजिए, नाइन एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस एक्स, प्लस एक्स इधर जाके क्या बन जाएगा हमारा, हम इसको ऐसे नहीं इवन और ऑड में पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब नाइन एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे एक्स है, और एक बार क्या आएगा नाइन एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई प्लस एक्स, हमने क्या था साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा, तो थीटा की दो वैल्यू निकलती है, एक तो टू एन पाई माइनस अल्फा, एक टू एन प्लस वन पाई प्लस अल्फा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो इधर आके ये टेन एक्स बन जाएगा इज इक्वल्स टू टू एन पाई, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी एन पाई ओवर फाइव, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, टेन एक्स डिवाइड हो गया, नाइन एक्स माइनस इधर आके एक्स एट एक्स, टू एन प्लस वन पाई, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2n प्लस वन पाई ओवर एट, वेयर n बिलोंग्स टू डिजर, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जब आपकी x की वैल्यू बिलोंग करे 0 से 2 पाई के बीच में, और क्या हो सकता है वेन एक्स बिलोंग्स टू, when x value of x lie between 0 to 2 pi, when value of x lie between 0 or 2 pi, 0 to 2 pi के बीच में और माइनस पाई टू पाई, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है साइन x इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू पॉजिटिव है, आपको पता है साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट और एक क्या होता है सेकंड में होता है, मतलब साइन x ये कौन सी वैल्यू होती है साइन पाई बाय थ्री, मतलब हमारी 60 साइन 60 रूट थ्री बाई टू होता है, तो x की वैल्यू पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री 60 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकल आई, सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, या तो पाई बाय टू प्लस या पाई माइनस, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसकी वैल्यू, पाई बाय टू प्लस लिखोगे तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो साइन पाई माइनस एंगल कौन सा है पाई बाय थ्री, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन फोर पाई बाय थ्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई बाय 3, मतलब जब x की वैल्यू पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 है तब आपके साइन x के अगर रूट 3 बाय 2, ये प्रिंसिपल वैल्यूज है, जनरल वैल्यूज हमने क्या हुआ है तब आप n पाई प्लस माइनस 1 इज टू पावर n अल्फा लोगे, सेकंड पार्ट जैसे हमें गिवन है tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3, अब टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड और एक फोर्थ, सेकंड के लिए आपको पाई माइनस एंगल यूज करना पड़ता है, फोर्थ के लिए आपको टू पाई माइनस एंगल, आपने पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू नहीं यूज करने, वो यूज करोगे तो टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई माइनस, पाई माइनस वन बाय रूट थ्री टेन कौन से एंगल पे होता है 30, टेन 30 इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, 30 मतलब पाई बाय 6, तो यहाँ से tan x इज इक्वल्स टू tan 5 पाई बाय 6, मतलब x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 आ गई, सिमिलरली tan x, अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ तो वो क्या कर देगा 2 पाई माइनस एंगल, एंगल कौन सा है पाई बाय 6, देखिए अगर tan पाई माइनस थीटा तो आप इसे कैसे लिखोगे माइनस tan पाई बाय 6, मतलब माइनस वन बाई रूट थ्री, उल्टे स्टेप चलोगे तो वही बन जाएगा 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको आप माइनस tan पाई बाय 6 से लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा tan 11 पाई बाय 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू
11 पाई बाय 6, मतलब जब x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 होगी तब ये tan x क्या देगा माइनस 1 बाय रूट 3। ये दोनों वैल्यू चेक कर लीजिए, ये आपकी क्या बनेगी 5 इंटू 180 ओवर 6 मतलब 150, ये बनेगा हमारा 3330। तो मतलब 0 टू 360 के बिटवीन ये सभी एंगल्स आ रहे हैं, बस आपने ये चेक करना है पॉजिटिव है तो आपने वही क्वाड्रेंट लेने हैं जो पॉजिटिव वाले हैं, अगर नेगेटिव है तो वही क्वाड्रेंट लेने हैं जो नेगेटिव वाले हैं, तो पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, या तो पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा, ये आपने क्वाड्रेंट चेक करने हैं। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 2। पहले 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। अगर आपको देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, बट ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, स्क्वायर को कर लीजिए ओपन, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर पूरी इक्वेशन को उस साइड ले लीजिए तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, ये उधर जाके माइनस का, ये भी किसका बन जाएगा माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल दोगे, अंदर जाएगा 1 माइनस 2, कोस स्क्वायर निकल गया पीछे ही रह गया, तो ये एज इट इज लिख दीजिए। कोई भी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 0 हो, इधर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 0 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 किस एंगल पे होता है, पाई बाय 2 पे, इधर साइन है तो इधर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। हमने किया था कोई भी एंगल स्क्वायर में आ जाए तो डायरेक्ट आपने ये याद रखना है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, कोई भी चाहे साइंस का थीटा इज इक्वल्स टू साइंस का अल्फा, कोस का थीटा इज इक्वल्स टू कोस का अल्फा जाए, तो बस आपने याद रखना है थीटा की जगह यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी पाई बाय 2 आ जाएगी, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 इज इक्वल्स टू 2 साइंस स्क्वायर एक्स, 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को इधर कर लीजिए, जब आप दोनों को साइड को चेंज करते हो जैसे साइन स्क्वायर एक्स इधर ले दे तो आपका साइन क्या कैंसिल हो जाता है, साइन 1 बाय 2 किस पे होता है आपको पता है, हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, सबसे पहले मैं इसको 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है ना, तो ये आपको पता है साइन 1 बाय रूट 2 किस पे होता है 45 पे, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाय 4, तो सेम यही फॉर्मूला, थीटा की जगह क्या जाएगा एक्स एन पाई, प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या जाएगा पाई बाय 4, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आपका इस साइड स्क्वायर है तो आपने इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 बाय 2 था तो मैंने 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर कर दिया, और 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर तो किसका होता है 1 बाय रूट 2 साइन पाई बाय 4, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 4 क्या होगा एक्स थीटा की जगह एक्स अल्फा के पाई बाय 4। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल जाइए, तो हमारे पास एक्स क्या क्या आ गया एन पाई प्लस माइनस पाई ओवर 2, एन पाई प्लस माइनस पाई ओवर 5, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2। कभी भी आपको इक्वेशन इस टाइप के जाए साइन कोस में, मतलब लीनियर हो कोई भी पावर ना हो और आपके एक साइड कुछ भी दिया हो एनी इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर, तब आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले लिख लीजिए साइन थीटा का कोफिशियंट क्या है 1, इसके साथ यहाँ पे 1 है, इसका माइनस 1 है, पहले यहाँ पे रूट 1 स्क्वायर ऑफ 1 प्लस यहाँ पे माइनस 1 है माइनस 1 का, मतलब आपने क्या करना है कोफिशियंट ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा रूट 1 प्लस 1 रूट 2, अब पूरी इक्वेशन को रूट 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए, ये आपका क्या ये आ जाएगा माइनस 1, ये साइन थीटा 1 बाय रूट 2, आपको पता है 1 बाय रूट 2 किस फॉर्म में होता है, मैंने साइन थीटा एज इट इज रख लिया, 1 बाय रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो कॉस पाई बाय 4, माइनस कोस थीटा को एज इट इज लिख दिया, इसको हम साइन पाई बाय 4 लिख देंगे, ये माइनस 1 एज इट इज, क्यों ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वो क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और साइन आपको पता है
वन कहाँ पे होता है, पाई बाय टू पे, और साइन माइनस को अंदर भी कर लेता है बाहर भी निकाल देता है, तो ये हमारा ये आ गया, मतलब साइन थीटा माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाय टू। आपने किया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा हो तो थीटा क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा की जगह थीटा माइनस पाई बाय फोर लिख दीजिए, एन पाई एज इट इज प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अल्फा की जगह माइनस पाई बाय टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। फिर आप क्या करोगे, ये माइनस पाई बाय फोर उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको प्लस पाई बाय फोर लिख दोगे, और ये यहाँ पे क्या कर दोगे आप प्लस, सिमिलरली इसको आप माइनस वन इंटू माइनस पाई बाय सॉरी प्लस पाई बाय टू लिख दोगे, तो ये हमने पीछे किया था मैं वैसे ही कर देती हूँ, तो ये आपका आ गया थीटा की वैल्यू। कभी भी आपको साइन कोस में जाए सबसे पहले साइन का कोएफिशिएंट जो भी हो उसका स्क्वायर करो, कोस का कोएफिशिएंट विद द साइन जैसे मैंने माइनस वन ले स्क्वायर करो, जो भी स्क्वायर रूट आ जाए उसको डिवाइड कर दो, फिर उसकी वैल्यू लिख लीजिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, उसको हमने सॉल्व कर दिया। सो फ्रेंड्स हमारे आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी टोटल हमारे सभी पार्ट्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आपके लिए जो हमने पिछली 17 और आज वाली 18 पार्ट हमने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे रिलेटेड ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपको दिए हैं, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये साथ में इनकी क्या है इनके आंसर्स दिए हैं, आप इनको पहले सॉल्व करना फिर इनके साथ जो आंसर है उनके साथ मैच करना, फिर आपको देखेगा पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने कितना आपको सीखने को मिला है और कैसे आपने फॉर्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई किया है। सो फ्रेंड्स थैंक यू, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।